नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी फोटो या वीडियो में फेस चेंज कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। इमेज या वीडियो में फेस चेंज करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके इमेज या वीडियो में फेस चेंज करने के बारे में बताया था। उसमें पहली दिक्कत लोगों को यह थी कि मोबाइल यूजर गूगल कोलैब को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, कुछ लोग अब यह कंप्लेंट कर रहे हैं कि वह गूगल कोलैब से इमेज या वीडियो में फेस चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गूगल कोलैब का लिंक इस समय सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों की इन दोनों ही परेशानियों को दूर करते हुए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप मोबाइल या कंप्यूटर किसी पर भी इस टूल को इस्तेमाल करके अपनी इमेज या वीडियो में फेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है विडनोज AI। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। विडनोज AI पर आपको क्रिएट फ्री AI वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, यहाँ AI टूल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इमेज या वीडियो में फेस चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ AI फेस स्वॉपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला है फोटो फेस स्वॉप, दूसरा है वीडियो फेस स्वॉप और तीसरा है मल्टीपल फेस स्वॉप। पहले हम यहाँ फोटो में फेस चेंज करेंगे। इसके लिए यहाँ फोटो फेस स्वॉप वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्ट हुआ है। अब नीचे ऑप्शन है अपलोड ए फोटो विद अ फेस। हमें यहाँ पर वह फोटो अपलोड करना है जिस फोटो में हमें फेस चेंज करना है, तो इसके लिए मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ और इस वाली इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब नीचे ऑप्शन है अपलोड द अदर फोटो विद अ फेस टारगेट फेस इमेज। अब हमें यहाँ पर उस फोटो को अपलोड करना है जिस फोटो का फेस हमें अपने इस फोटो में चेंज करना है, तो यहाँ से हम अपने दूसरे फोटो को भी अपलोड कर लेते हैं। टारगेट फेस में मैं इस फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारी बेस इमेज आ गई है और हमारा टारगेट फेस आ गया है। अब अपने फोटो में फेस चेंज करने के लिए नीचे ऑप्शन है फेस स्वॉप नाउ, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी इस फोटो में ये वाला फेस अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे इस फोटो में ये वाला फेस अप्लाई हो चुका है। इसे देखने के लिए यहाँ जूम इन पर क्लिक करेंगे तो हमारी यह इमेज जूम हो जाएगी। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यह डाउनलोड हो चुका है, यहाँ आप दोनों फोटो को देख सकते हैं। ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये दूसरी इमेज फेस चेंज करने के बाद है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी में फेस चेंज हुआ है। इसी तरह आप किसी भी फोटो में किसी भी फेस को चेंज कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो में फेस चेंज करेंगे। इसके लिए वीडियो फेस स्वैप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी उस वीडियो को अपलोड करेंगे जिस वीडियो में हमें फेस चेंज करना है। तो मैं यहाँ अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड कर लेता हूँ। वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ अपलोड फोटो पर क्लिक करके हमें उस फोटो को अपलोड करना है जिस फोटो का फेस हमें इस वीडियो में अप्लाई करना है। तो इसके लिए अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं और इस बार में यहाँ पर कीर्ति सुरेश के फोटो को अपलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारी बेस वीडियो और टारगेट फेस दोनों आ चुके हैं। अब अपनी इस वीडियो में फेस चेंज करने के लिए स्वॉप फेस नाउ पर क्लिक करेंगे। वापस यहाँ कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी इस वीडियो में कीर्ति सुरेश का फेस अप्लाई हो जाएगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी इस वीडियो में कीर्ति सुरेश का फेस अप्लाई हो चुका है। इसे देखने के लिए हम यहाँ प्ले पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में कीर्ति सुरेश का फेस अप्लाई हो चुका है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो मोबाइल या कंप्यूटर की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब दोनों वीडियो की एक बार हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। यह हमारी ओरिजिनल वीडियो है और यह वीडियो कीर्ति सुरेश का फेस चेंज करने के बाद है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी में कीर्ति सुरेश का फेस अप्लाई हुआ है। कहीं भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि यह कीर्ति सुरेश की वीडियो नहीं है। इसी तरह आप विडनोज AI की मदद से अपने किसी भी फोटो या वीडियो में फेस चेंज कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में।
अगर आप किसी फोटो में एक से ज्यादा फेस को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए मल्टीपल फेस स्वैप पर क्लिक करेंगे। यहां से अपने उस फोटो को अपलोड करेंगे जिसमें आपको फेस चेंज करने हैं। यहां पर आपको वह सारे फेस दिखाई देंगे जो आपकी इमेज में होंगे। अब जिस फेस पर भी आपको जो फेस अप्लाई करना है उसके लिए सिंपल यहां प्लस पर क्लिक करेंगे और उस फेस को लेकर के आएंगे जिस फेस को अप्लाई करना है और फेस स्वैप नाउ पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमारी इस इमेज में सभी फेस चेंज हो चुके हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, विडनोज AI के फ्री प्लान में आप एक दिन में दो इमेज और एक वीडियो में ही फेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा इमेज या वीडियो में फेस चेंज करना है तो इसके लिए फिर आपको इनका पेड प्लान लेना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।